हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। हिंदी लेक्चर की जो सीरीज चल रही है, जो सभी एग्जाम के हिंदी के पोर्शन के लिए आपके लिए बहुत लाभदायक होगी, उस लेक्चर में सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है काल। काल जैसा कि आपको दिख रहे हैं, तीन प्रकार के हैं और उनके विभिन्न विभिन्न प्रकार हैं। इस लेक्चर में उन सभी को डिस्कस किया जाएगा। इस टॉपिक से संबंधित आते हैं दो प्रकार के क्वेश्चन। पहला, आपको एक तो ये चेक करना होता है कि अशुद्धि जब आपसे कही जाए किसी वाक्य में पता करने को, तो उसमें काल की अशुद्धि तो नहीं है, सहायक क्रिया और क्रिया में कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको एक तो ये देखना होता है, और दूसरा देखना होता है कि कोई वाक्य दिया हो वो किस काल का वाक्य है। ये दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं चपरासी के एग्जाम से लेकर PCS के एग्जाम में। जो हिंदी के क्वेश्चन आएंगे वो सब में ये बहुत अच्छे से आपको मदद देगा। पूरा लेक्चर देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, मैं लिखता जाऊंगा, आप भी लिखते जाइए, इससे आपके नोट्स बन जाएंगे। चाहें तो मेरे नोट्स आप बाद में टेलीग्राम से खरीद भी सकते हैं। टेलीग्राम लिंक में पहले से भी स्टडी मटेरियल डला हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है उत्कर्ष एजुकेशन, जैसा कि इस यूट्यूब चैनल का नाम है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल एंड सपोर्ट मी। गुरु दक्षिणा के नाम पे बस इतना ही मांग रहा हूँ कि आप बस सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। बाकी ये लेक्चर सीरीज हर हिंदी के एग्जाम में आपको काम देगी। अभी जो VDO और RO और उसके बाद PCS, KVS, DSSB ये सभी एग्जामों में बहुत फ़ायदा देने वाला है। इसलिए ध्यान से पढ़ना और सारे नोट्स बनाना, खुद बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमसे लोगे तो कोई दिक्कत तो है ही नहीं उसमें। तो देखो, काल है तीन प्रकार के, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। भूतकाल में 6 प्रकार के भूतकाल हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न, अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध और हेतु मद भूतकाल। वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। भविष्यकाल, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्यत और हेतु मद भविष्यत। इन सभी को इस लेक्चर में अब हम एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो कॉपी पेन खोल लीजिए और नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले भूतकाल, पास्ट टेंस इंग्लिश में जिसको बोला जाता है। भूतकाल में पहला भूतकाल होता है, लिखते चलिए अब आप, सामान्य भूतकाल। ठीक है, सामान्य भूतकाल का मतलब होता है जब बीते समय में क्रिया हो, लिखते जाइएगा, बीते समय में क्रिया हो और सामान्य रूप से हो। बीते समय में जब क्रिया सामान्य रूप से होती है तो उसे सामान्य भूतकाल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम घर गया। सामान्य जाने की प्रक्रिया बीते समय में हो रही है और सामान्य रूप से हो रही है, कोई विभिन्न प्रकार की चीजें नहीं जुड़ी हुई हैं, एक बहुत ही सामान्य वाक्य है, सिंपल वाक्य है, इसीलिए उसे सामान्य भूतकाल कहा जाता है। राम घर गया, तुम मर गए, कोई भी ऐसी प्रक्रिया हो, तो जो सिंपल वाक्य होते हैं भूतकाल के, उनमें जो भूतकाल की वाक्य होता है उसे सामान्य भूतकाल कहा जाता है, जो सिंपल होते हैं, सामान्य होते हैं, नॉर्मल होते हैं। अब नॉर्मल शुरू होंगे तो अब बिल्कुल ध्यान से सुनना शुरू करना। दूसरा, आसन्न भूतकाल, समझे, आसन्न भूतकाल। बीता समय तो हो, सामान्य प्रक्रिया, सामान्य रूप भी हो क्रिया का, सामान्य रूप भी हो वाक्य का, ओके, पर यह बीता समय बहुत ही निकट का हो, अभी हाल ही का हो, बहुत पहले का ना हो। जैसे कि राम ने लंका पे चढ़ाई की, तो ये बहुत पुरानी बात है, ठीक है, ये बहुत
पुरानी बात है, अभी की बात करनी है अगर मैं तो ऐसे करना होता है। एग्जाम्पल देखना बहुत ध्यान से, क्योंकि अब यहाँ से बहुत डाउट शुरू होंगे लोगों को आने। डाउट हो तो टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पे पूछते रहना। कक्षा अभी शुरू हुई है ना कि था, है। कक्षा अभी शुरू हुई है, यानी कक्षा शुरू हो चुकी है, समय कक्षा शुरू होने का बीत चुका है, पर अभी निकट समय में ही है, वो अभी ही शुरू हुई है। इसीलिए इसे वर्तमान में नहीं बोलोगे कि है लगा हुआ है तो वर्तमान लगा दें, ये आसन्न भूतकाल ही है, ठीक है, वो समय जो अभी बीता है। इसके कई एग्जाम्पल हैं जो प्रैक्टिस सेट में आपको आएंगे भी, जैसे कि वह अभी मर गया, वह अभी घर से निकला है, ये सभी चीजें आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आती हैं। तीसरा है अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल बीते समय में प्रक्रिया है अभी भी, कार्य प्रारंभ हुआ था समाप्त हुआ या नहीं पता नहीं है, समाप्ति का नहीं पता, ऐसे लिखो, इसी वाक्य में लिखना, अच्छे समझ में आएगा। कार्य प्रारंभ हो चुका है पर अभी समाप्त नहीं हुआ है, जैसे वह घर में खेल रहा था, केवल इतना वाक्य अगर दिया हो तो उसे अपूर्ण भूतकाल में बोला जाएगा। खेलना बंद हुआ या नहीं पता नहीं, कब तक खेला पता नहीं, खेल रहा था ये पता है कि बीते समय में कार्य प्रारंभ हो चुका है, खेलना प्रारंभ हो चुका है, खेला जाना जा चुका है पर समाप्ति पता नहीं है। अपने मन से सोचना, जो लिखा है उसी पे दिमाग लगाना, अपने मन से मत सोच लिया करो कि बंद ही कर दिया होगा उसने, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। वाक्य में कहीं ऐसा लिखा है कि खेलना बंद हुआ है, नहीं, तो ये अपूर्ण भूतकाल में आएगा। अपूर्ण भूतकाल के बाद अगली हेडिंग है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, ठीक है। अपूर्ण भूतकाल में क्या था, बीते समय में प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है पर समाप्ति पता नहीं हुई है, नहीं, पूर्ण भूतकाल में समाप्ति पता चल जाएगी, बस यही अंतर है। बीता समय है, कार्य प्रारंभ हो चुका है और समाप्त भी हो चुका है, समझे। एग्जाम्पल, इंडिया
पाकिस्तान को हराया है। हराया है। या हराया था, जो भी आपको लिखना है। तो मैच शुरू होकर खत्म हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है। इस तरह से ये बीते समय की बात है। मैच खत्म हो चुका है, कार्य प्रारंभ भी हुआ, मैच शुरू भी हुआ और समाप्त भी हो गया, और अंत में पाकिस्तान हार भी गया। इस तरह से ये बात पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगी। कोई कार्य शुरू हुआ, खत्म हो गया। वैसे लिखो, इंडिया और पाकिस्तान का मैच था तो वो अपूर्ण भूतकाल में आएगा। मैच था, कितना हुआ पता नहीं है, मैच बीच में चल रहा है पता नहीं है, तो वो अपूर्ण में है। पर यहां लिखा हुआ है हराया है, मैच खत्म हो चुका है। अगला, संदिग्ध भूतकाल। बीते समय में प्रक्रिया शुरू हुई, पर संदेह है कि हुई है या नहीं। मतलब मैंने COVID-19 वैक्सीन का टीका लगवा लिया है, तुमने भी लगवा लिया होगा। तो लगवा लिया होगा एक पुरानी प्रक्रिया है ना, लग चुका होगा, अभी का तो नहीं है ना, बीते समय की बात कर रहा हूँ कि तुम्हें पहले लग गया होगा। पर मुझे पक्का नहीं है ना कि लगा है या नहीं, वरना मैं ये बोलता तुम्हें भी लग चुका है। मैंने बोला लग चुका होगा, उसे ही संदिग्ध भूतकाल बोलेंगे, समझे। वह घर आ गया होगा, होगा भविष्य काल का फील भले ही देते ये शब्द, लेकिन है ये भूतकाल, उसमें भी संदिग्ध कि घर आने की प्रक्रिया हो चुकी होगी, शुरू नहीं होनी है, हो चुकी होगी, पर मुझे संदेह है कि शायद आया है शायद नहीं, पक्का नहीं है, तो उसे संदिग्ध भूतकाल बोलेंगे। अगर शायद लगा भी दो तो और अच्छा समझ में आ जाएगा कि शायद वह घर आ गया होगा, तो और अच्छे से पता है कि संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। तो संदिग्ध भूतकाल ऐसे पता चलना है, घर आने की प्रक्रिया अभी तो नहीं हो रही ना। जैसे ही मान लो कि अभी 12 बजा है, अगर मैं लिख दूं 9 बजे वह घर आ गया होगा, तो 9 बज चुका है, मैं 3 घंटे बाद बात कर रहा हूं, 3 घंटे बाद बात कर रहा हूं, 9 बज चुका है, इसीलिए घर आने की प्रक्रिया भूतकाल मानी जाएगी। पर मुझे पक्का नहीं है, चूंकि मुझे पक्का नहीं है, संदिग्ध भूतकाल। और आखिरी, हेतु मद भूतकाल। बीते समय में होनी थी पर नहीं हुई, जो प्रक्रिया जो कार्य बीते समय में होना तो था पर हुआ नहीं। मतलब ये काम तो कल ही होना चाहिए था,
अब ये काम कब होना चाहिए था? कल। तो क्यों नहीं किया? ये लिखा हो अगर तो ये किस तरह का वाक्य होगा कि बीते समय में ये होना था पर हुआ नहीं है, तो ये हेतु हेतु मत भूतकाल में आएगा। इसमें एक और प्रकार भी होता है कि बीते समय में जो होना था वो नहीं हुआ, उस चक्कर में कुछ और हो गया। यदि तुम जल्दी जाते तो बैंक का काम हो जाता। हो जाता बीते समय में तुम्हें जल्दी जाना था पर तुम नहीं गए, जिससे बैंक का काम नहीं हुआ। तो ये प्रकार के वाक्य भी हेतु हेतु मद भूतकाल में ही आएंगे। जब बीते समय में कुछ होना हो पर नहीं हुआ हो तो ठीक है। भूतकाल खत्म। अब आओ वर्तमान काल। वर्तमान काल पहला सबकी तरह सामान्य वर्तमान, वर्तमान यानी कि अभी हो रही हो, बीते समय में नहीं वर्तमान में हो रही हो और सामान्य रूप से हो रही हो। जो मतलब वह खाना खाता है, सामान्य रूप से प्रक्रिया हो रही है, वर्तमान समय में हो रही है, पुराने समय की बात नहीं हो रही है कि उसने खाना खाया वह खाना खाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वह खाना खाता है वर्तमान समय की बात है और सामान्य रूप से ये बात कही जा रही है, कुछ विशेष नहीं है इसमें। अभी तक विशेष अब शुरू होगा। सामान्य वर्तमान से जनरली कुछ पूछा नहीं जाता क्योंकि वो इतना कठिन होता नहीं है। अगला, उसमें भी पूर्ण पूर्ण थे ना भूतकाल में, इसमें भी हैं अपूर्ण वर्तमान। वर्तमान समय में हो तो रही है लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि पूरी नहीं हुई है प्रक्रिया, पता नहीं है समाप्त हुई है नहीं, पूरी समाप्ति नहीं हुई है। वह खाना खा रहा था, ये लाइन अपूर्ण वर्तमान की नहीं है, ये लाइन अपूर्ण भूतकाल की है। पुराने समय की बात हो रही है, बीते समय की बात हो रही है। वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है, अब यह वर्तमान समय में हो रहा है, अभी खा रहा है पर अभी खत्म नहीं किया है, खा रहा है, तो यह अपूर्ण वर्तमान में आएगा, वर्तमान समय में हो रहा है। अब वह खाना खा चुका है,
ये पूर्ण वर्तमान में नहीं आएगा, पूर्ण वर्तमान जैसा कुछ होता ही नहीं है। खाना खाने की प्रक्रिया हो चुकी है, इसका मतलब वो बीते समय की बात है, तो ये पूर्ण भूतकाल में माना जाएगा। पूर्ण मतलब प्रक्रिया खत्म, भूतकाल मतलब प्रक्रिया पुराने समय में निपट चुकी है। वह अभी अभी खाना खा के उठा है, आसन्न वर्तमान, अभी अभी उठा है, अभी अभी निकट समय में ही हुई है प्रक्रिया। तो अपूर्ण वर्तमान हो गया। वर्तमान में तीन ही प्रकार हैं, पहला सामान्य, दूसरा अपूर्ण, और तीसरा अब लिखोगे संदिग्ध। संदिग्ध भूतकाल भी था, जैसे कि वह घर आ चुका होगा, तो घर आने की प्रक्रिया हो चुकी है, पर मुझे संदेह है कि वो आया है या नहीं। संदिग्ध वर्तमान, वर्तमान समय में होगा, पर संदेह होगा भूतकाल की तरह वाला कि हो रही है प्रक्रिया या नहीं। वह घर आ चुका होगा, संदिग्ध भूतकाल, चुका है, प्रक्रिया हो चुकी है। वह घर आ रहा होगा, आने की प्रक्रिया हो रही है, पर शायद अभी तक ना आया हो, अभी रास्ते में ही हो, इसीलिए ये संदेह है कि आया है या नहीं। वह मेरे घर आ रहा होगा, वह घर आता ही होगा, ये भी संदिग्ध वर्तमान में ही आएगा, क्योंकि वह घर आता ही होगा, आने की प्रक्रिया अभी हुई नहीं है पर चल रही है। इस तरह वर्तमान काल के भी तीन भाग थे जो हो गए। अब आओ, वर्तमान भविष्य हो गया, अब बचे वर्तमान और भूतकाल हो गया, अब बचा भविष्य काल। भविष्य काल में भी तीन भाग हैं। पहला, भविष्य काल का मतलब समझते हो ना, जो प्रक्रिया आने वाले समय में हो उसे भविष्य काल माना जाता है, ना अभी हो चुकी है ना अभी हो रही है, आगे होगी। तुम लोगों का पेपर आगे होगा, एग्जाम सेंटर में घुसोगे तो पेपर चल रहा है, और एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद पेपर हो चुका है। सामान्य भविष्य, सब में सामान्य तो देखो एक होगा ही, सामान्य भविष्य। ठीक है, आने वाले समय में प्रक्रिया होगी, पहली चीज। सामान्य रूप से होगी, दूसरी चीज। एक बार या अनेक बार हो सकती है, अनेक बार भी हो सकती है और एक बार भी हो सकती है। मतलब मैं कानपुर जाऊंगा, आने वाले समय की प्रक्रिया है, अभी गया नहीं हूं ना जाके आया हूं, अभी जाऊंगा आने वाले समय, सामान्य जाने की प्रक्रिया है। ठीक है, एक बार अभी अंदाजा लग रहा है, मैं कल कानपुर जाऊंगा, अभी भी सेम चीज है, एक बार जाना है, मैं कल से कानपुर जाऊंगा। अब ये अनेक बार की प्रक्रिया है,
पर सेम चीज़ है, जाऊंगा यानी कि भविष्य काल सामान्य जाने की प्रक्रिया है। मैं हर दिन कानपुर जाऊंगा अनेक बार की प्रक्रिया ये भी है, पर भविष्य काल में जाना है और सामान्य रूप से जाना है, इसीलिए ये भी सामान्य भविष्य के अंतर्गत आएगी। मैं हर दिन कानपुर जाऊंगा। भविष्य काल का दूसरा प्रकार संभाव्य भविष्यत, जिसे हम संदिग्ध भविष्यत भी बोलते हैं, जैसे कि उनमें भी था संदिग्ध। आने वाले समय ठीक है पर संदेह है। शायद कल गांव में बारिश हुई थी, बारिश हुई थी। संदिग्ध भूतकाल, ठीक है, संदिग्ध भूतकाल। शायद गांव में बारिश हो रही है या हो रही होगी। संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। शायद कल गांव में बारिश होगी, अभी बारिश हुई नहीं है, आने वाले समय की बात है, पर शायद है, संदेह है। तो ये संभाव्य या संदिग्ध भविष्य काल की बात हो रही है, समझे। पॉज करके आराम से लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव क्लास तो ये है नहीं जहां तुम लोगों का कुछ छूट जाएगा। अब आखिरी हेडिंग आज के लेक्चर की पढ़ो। हेतु हेतु मद भविष्य, हेतु हेतु भूतकाल क्या था कि कोई प्रक्रिया बीते समय में होनी थी पर नहीं हुई। भविष्य काल में हेतु हेतु मद में होगा कि कोई प्रक्रिया या क्रिया आने वाले समय में होनी हो, पर ना हो। कोई प्रक्रिया आने वाले समय में होनी हो पर ना हो। एग्जाम्पल कई सारे हैं, कौन सा बताऊं जिससे अच्छे समझ में आए। भूतकाल भी, भूतकाल में मरने का एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दिया है। ओके ओ, यही तो। पर ना हो तो बोल ही नहीं सकते ना, मैं यही गड़बड़ कर रहा था। अगर आने वाले समय में होनी है तो तुमने बोल कैसे दिया कि नहीं हुई है, तो फिर वो भूतकाल नहीं हो गया। होनी हो पर अन्य क्रिया पर निर्भर हो,
अब दिमाग में आया कि मैं क्यों कंफ्यूज हो रहा था। देखो अगर नहीं होती तो वो भूतकाल हो जाता। तुम्हें खाना खाना था कल तुम खाना खाओगे पर तुमने नहीं खाया, या कल तुम्हारी बारात थी या कल तुम्हारी बारात है पर तुम नहीं जाओगे, तो तुमने अभी बता दिया ना हम नहीं जाएंगे, तो ये भूतकाल की बात होगी कि हमें जाना ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। भविष्य का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा, अभी से कह दिए मैं कल खाना नहीं खाऊंगा, तो संदेह तो है ही नहीं ना भाई। तो क्रिया आने वाले समय में हो पर किसी अन्य क्रिया पर निर्भर हो। अब जिस क्रिया पर निर्भर है वो पता लगा नहीं हुई तो ये भी नहीं होगी। इस तरह से भविष्य काल में हेतु हेतु मत बनेगा, भूतकाल में अलग तरीके से बनता। जैसे अगर शिक्षक बनना है तो टेट पास करना होगा, भूतकाल की प्रक्रिया तो नहीं है ना। शिक्षक बनना भूत भविष्य काल में है, पर अगर ऐसा करना है तो उसके लिए टेट पास करना होगा, ये नहीं किए तो ये अपने आप नहीं होगा। इस तरह से हेतु हेतु मद भविष्य काल होता है। इस तरह से आज के लेक्चर में सभी प्रकार के कालों को उनके कॉन्सेप्ट के साथ और एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझाया है। एक बार लिख लो, अच्छे से समझ लो, डाउट हो टेलीग्राम या यूट्यूब कमेंट बॉक्स में पूछो और प्रैक्टिस करने में लग जाओ, तुम्हारा कभी कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा काल से संबंधित। इंटरव्यू में भी इसी तरह के बहुत क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो प्लीज़ इसे बहुत ध्यान में रखिएगा। प्लीज़ सपोर्ट करिए मुझे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।